को बचाऊंगा। अरे डिस्टर्ब मत कर। अरे यार पढ़ने तो दे। अब कुंड बदमाश को छोड़ूंगा नहीं। मम्मी मम्मी ठीक है ठीक है जा रहा हूँ। अरे भाई कुछ लफड़ा फड़ा हुआ ना बारिश छोड़ो। सबके सब फॉरेन में होते हैं। भैया हिंदुस्तान से कोई नहीं है। मैं बनूंगा हिंदुस्तान का शक्तिशाली सुपर हीरो। तू बनेगा? अच्छा बता कैसे रहेगा ये सुपर हीरो? ताकत वाला। और ताकत कहाँ से आएगी? बहुत खाऊंगा और जिम भी जाऊंगा। बेटा ऐसे तो कोई सुपर हीरो नहीं बनता। फिर दिखने वाले दुश्मनों से बचाने के लिए फॉरेन के सुपर हीरो है ना, लेकिन जो दिखते नहीं उन दुश्मनों का क्या? जो दिखते नहीं यानी कि भूत। अरे बुद्धू अलग अलग तरीके के कीटाणु विषाणु वायरस की बात कर रहा हूँ। वायरस? हाँ जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देते हैं। फिर क्या सुपर हीरो बीमार? यानी कि मेरी ताकत का कोई मतलब नहीं। भैया कुछ तो उपाय होगा ना? है ना, वो है अपना आयुर्वेदा। आयुर्वेदा? आयुर्वेदा एक ऐसा खजाना जो साधारण मानव को महामानव और हीरो को सुपर हीरो बनाता है और अपने शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करता है। कौन सी प्रणाली? मतलब आयुर्वेदा अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो कैसे? आयुर्वेदा का विशेष तोहफा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश? च्यवनप्राश ये सही न्यूट्रिशन वाला टॉनिक है जिसका रोजाना सेवन करके अपने शरीर में बसे हानिकारक बैक्टीरिया वायरस फंगस से रक्षा करता है। ये श्वसन और पाचन क्षमता को भी बढ़ाता है। फिर तो मैं रोजाना च्यवनप्राश खाऊंगा। साथ में हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध? हल्दी वाला दूध अपने शरीर में बसे विषैली पदार्थों को बाहर करता है और खून को भी साफ रखता है। क्या फिर सुपर हीरो ने चाय नहीं पीनी चाहिए? चाय के बिना जिंदगी कैसे होगी मेरे भाई? चाय भी पीनी चाहिए मगर आयुर्वेदिक हर्बल चाय। हर्बल चाय? हर्बल चाय जिसमें तुलसी के पत्ते दालचीनी काली मिर्च शुंठी मनुका और गुड़ हो। इससे क्या होगा? ये भी अपने विषाणु से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। अरे बाप रे इतना कुछ होता है आयुर्वेदा से? मतलब गारंटी प्लस वारंटी मैं सुपर हीरो बन के ही रहूंगा। अरे अरे रुक जा जरा। और रोजाना साथ में योगा भी। योगा? अरे बेवकूफ योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती बल्कि ये तन और मन को एक साथ जोड़ता है। सुपर हीरो बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी तो होना चाहिए। तो बस आज ही से योगा शुरू और फिर मैं बन जाऊंगा सुपर हीरो। और हाँ, अरे यार तेरी लिस्ट खत्म नहीं हुई क्या? मेरे भाई याद रहे हमारा किचन। क्या अब सुपर हीरो किचन में खाना पकाएगा? मेरा मतलब किचन में मिलने वाली हल्दी जीरा धनिया और लहसुन अगर खाने में हो तो तुम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को निपटने में कामयाब होगे। भाई कुछ और भी बताना है तो बता दे, मैं तो चला सुपर हीरो बनने। अरे रुक रुक अकेला कहाँ जा रहा है, हम सब आयुर्वेदा को अपना के साथ में सुपर हीरो बनेंगे।